हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? तो दोस्तों, आज हम बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स देखेंगे जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो बोन्स होते हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन, यानी ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी बोन है जो सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी यही है। तो इसका नाम है फीमर बोन। क्या नाम है इसका? फीमर बोन। और ये कहाँ होती है? ये हमारे थाई में होती है। तो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन फीमर बोन। दूसरी है बच्चों बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो वो है मैंडिबल बोन। कौन सी? मैंडिबल बोन। ये कहाँ होती है? ये जो हमारी लोअर जो है ना, लोअर जो, ये जो लोअर जो में जबड़ी की जो हड्डी है, यही बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। इसे कॉमनली हम लोअर जो बोन भी कहते हैं। ये कहा जाता है कि मैंडिबल बोन इतनी स्ट्रॉन्ग बोन है, इतनी स्ट्रॉन्ग बोन है, अगर इस पर से अगर ट्रक भी चढ़ा दे ना, इस बोन के ऊपर अगर हम ट्रक भी चढ़ा दे तो ये मुश्किल ही टूटेगी। तो इसलिए बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है मैंडिबल बोन को, जिसे कॉमनली लोअर जो बोन भी कहते हैं, क्योंकि तो हमारे निचले वाले जबड़े में होती है इसलिए। तीसरी है बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन, इसका नाम है स्टेपिस बोन। ये कहाँ होती है? ये हमारे कान के अंदर, जो मिडल ईयर है ना, मिडल ईयर कान के अंदर होती है। और मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बताया था कि बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट मसल जो है स्टेपिडियस मसल। तो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होती है बच्चों, यानी स्टेपिस बोन, ये बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियस मसल से जुड़ी होती है, और ये कहाँ होती है? हमारे कान के अंदर होती है। चौथी है बच्चों कि ह्यूमन बॉडी के अंदर देखो, ये जितनी भी बोन्स होती है ये बोन्स किसी न किसी दूसरी बोन से जुड़ी होती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी बोन होती है जो किसी दूसरी बोन से जुड़ी नहीं होती है। क्या कहा मैंने? कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ही जितनी भी बोन्स होती है, ये सभी के सभी बोन्स किसी ना किसी दूसरी बोन से बॉडी के अंदर जुड़ी रहती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी हड्डी होती है, एक ऐसी बोन होती है जो किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी होती, और उस बोन का नाम है हायोड बोन। क्या नाम है इसका? हायोड बोन। ये हमारे नेक के पास में होती है, नेक में। कौन? हायोड बोन। ये किसी दूसरे बोन से जुड़ी नहीं होती है, ये सिर्फ मसल से जुड़ी होती है, और मसल्स के थ्रू ही क्या होता है, इस बोन को सपोर्ट मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी हड्डी होती है, एक ऐसी बोन होती है जो किसी अदर बोन से नहीं जुड़ी होती है, और वो एक ही बोन है और उसका नाम है हायोड बोन। हायोड बोन एक यू शेप्ड, अल्फाबेट यू नहीं होता, यू शेप्ड बोन होती है, और ये हमारे नेक में होती है। कौन? हायोड बोन। अगली है बच्चों बॉडी की सबसे कमजोर हड्डी, यानी ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी बोन है जो सबसे वीकेस्ट है, यानी बॉडी की सबसे कमजोर हड्डी, कमजोर बोन, वह है क्लेविकल बोन। ये जो हड्डी होती है ना यहाँ पे ये इस तरफ, ये हमारे शोल्डर के साइड में जो हड्डी है ये वाली, इसे क्लेविकल बोन कहते हैं। ये बॉडी की सबसे कमजोर बोन होती है। जब किसी का मेनली एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में जो बोन सबसे ज्यादा जो फ्रैक्चर होते हैं वो क्लेविकल बोन ही होते हैं, क्योंकि क्लेविकल बोन बॉडी की सबसे कमजोर, सबसे वीकेस्ट बोन है। अगली बच्चों की ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी बोन है जो बटरफ्लाई शेप्ड होती है, तो वो है स्फिनोइड बोन। ये हमारे ब्रेन में होती है, जो हमारे ब्रेन का जो बेस होता है ना, बेस वहां पे सिचुएट होती है। तो ये है कुछ बॉडी की इंपॉर्टेंट बोन्स। बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन फीमर बोन, कहाँ होती है? थाई में होती है। बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मैंडिबल बोन, जिसे कॉमनली लोअर जो बोन भी कहते हैं। बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस बोन, कहाँ होती है? कान के अंदर होती है। बॉडी की सबसे, मतलब बॉडी की ऐसी कौन सी बोन है जो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं होती, तो वो एक ही बोन है, वो है हायोड बोन। ये सिर्फ मसल से अटैच होती है और किसी बोन से अटैच नहीं रहती। ये एक यू शेप्ड बोन होती है और हमारे नेक में होती है। बॉडी की सबसे कमजोर हड्डी क्लेविकल बोन, जो यहाँ पे होती है। और बॉडी की ऐसी कौन सी बोन है जो बटरफ्लाई शेप्ड है, ठीक है, वो है स्फिनोइड बोन। ये ब्रेन में होती है। तो ये कुछ बॉडी की इंपॉर्टेंट बोन्स है जो हर किसी को पता होना चाहिए। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका।